सो कैसे हो आप लोग। सो ऑलरेडी जो पिछला वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर रहे थे डीएनए डैमेज के बारे में। सॉरी, सो डीएनए डैमेज जो पार्ट है वो हमारा शुरू हुआ है। अब उसमें से ऑलरेडी हम जो सिंगल स्टैंड सॉरी सिंगल्स बेस ऑल्टरेशन का जो डीएमिनेशन डीप्यूरिनेशन एंड एल्काइलेशन, ये तीनों स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम आएंगे बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन, जो सिंगल स्टैंड ब्रेक का ही एक पार्ट है, जो है बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन। सो बेसिकली जो बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन है उसमें क्या क्या एजेंट है, मतलब बेस के जैसा दिखता है पर उसका नेचर बेस के जैसा नहीं है, बेस के जैसा दिखता है पर उसका नेचर बेस के जैसा नहीं है, वो क्या रेप्लिकेशन के दौरान नाइट्रोजन बेस को सब्स्टिट्यूट करके वो बाइंड कर जाता है, फिर क्या होता है अभी हम देखेंगे। तो बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन हम आते हैं किसमें। फर्स्ट जो सिंगल स्टैंड ब्रेक का ही एक पार्ट है। अगर जो पिछला वीडियो आप जगह अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप जगह देख सकते हो। सो सिंगल्स बेस अल्टरेशन का एक पार्ट रह गया था अल्टरेशन, सिंगल्स बेस अल्टरेशन मतलब एक बेस का अल्टरेशन चेंज आप कह सकते हो। उसमें रह गया है कौन सा, बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन। उसमें एक पार्ट है जिसको कहा जाता है बेस एनालॉग, बेस के जैसा सिमिलर एनालॉग, बेस मतलब नाइट्रोजन बेस, बेस एनालॉग, बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेट होगा किसमें, डीएनए में, डीएनए में इनकॉर्पोरेशन होगा, फिर क्या होगा। सो बेस एनालॉग मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर टू नाइट्रोजन बेसिस। सो इसका जो स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट, सिमिलर स्ट्रक्चर किसका, सिमिलर स्ट्रक्चर टू नाइट्रोजन बेसिस, जो नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन जो बेसिस है उसमें उससे कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हम आते हैं, जब ये डीएनए में घुसेगा, डीएनए में इनकॉर्पोरेट करेगा तो क्या होगा, डीएनए में ये जो एनालॉग है रेप्लिकेशन के दौरान जब डीएनए में ये घुसेगा फिर ये चेंज करेगा अपना जो शेप है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेगा तो दूसरा एक बेसिस का साथ बाइंड करेगा, फिर रेप्लिकेशन होगा तो दूसरा एक बेसिस। तो बेसिकली बेस एनालॉग एक शिफ्ट, ऑटोमेरिक शिफ्ट, इसका दो फॉर्म जो हम देखेंगे अभी, ठीक है। पहले नाम जान लेते हैं, एक होगा थायमिन का बेस एनालॉग। थायमिन का जो बेस एनालॉग है, थायमिन का बेस एनालॉग का नाम क्या है, मतलब थायमिन जैसा जो दिखता है उसका जो बेस एनालॉग है, बेस एनालॉग उसका नाम 5-ब्रोमोयूरासिल। क्या नाम है, 5-ब्रोमोयूरासिल, 5-ब्रोमोयूरासिल। और दूसरा जो बेस एनालॉग है 2-एमिनोप्यूरिन, किसका बेस एनालॉग है, एडिनिन का जो बेस एनालॉग है वो है 2-एमिनोप्यूरिन। मतलब इसका अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो कैसा दिखता है, एडिनिन के जैसे दिखता है। सो ये दिखता तो वैसा है पर इसका नेचर एडिनिन के जैसा नहीं है, इसका जो 5-ब्रोमोयूरासिल है वो दिखता तो थायमिन के जैसा है पर इसका नेचर एक्चुअल में थायमिन जैसा नहीं है। तो ये अभी कैसे क्या होता है मतलब वो थोड़ा सा हम देखते हैं। एग्जांपल की तरफ से हम लेते हैं 5-ब्रोमोयूरासिल को, ठीक है, किसको लेंगे, तो 5-ब्रोमोयूरासिल के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं नेचर इसका कैसा है। तो 5-ब्रोमोयूरासिल यहां पर है, ये 5-ब्रोमो जो यूरासिल है इसका दो फॉर्म में ये रह सकता है, एक हो गया कीटो फॉर्म में और दूसरा क्या है, एनॉल फॉर्म।
एक कीटो फॉर्म में रहेगा और दूसरा एनॉल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। मतलब एक कीटो फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ये एनॉल फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है। पर ये जो टॉटोमेरिक शिफ्ट होता है इसको कहते हैं टॉटोमेरिक शिफ्ट। ये जो टॉटोमेरिक शिफ्ट का जो रेट है कीटो फॉर्म में एंड एनॉल फॉर्म में जो शिफ्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर का जो शिफ्ट होता है वो बहुत हाई रेट है। मतलब इसका शिफ्टिंग का जो रेट है टॉटोमेरिक कीटो फॉर्म एंड एनॉल फॉर्म में वो बहुत ही हाई रेट में होता है, ठीक है। तो जब ये कीटो फॉर्म में रहेगा तो ये किसके साथ बेस पेयर करेगा? जब ये कीटो फॉर्म में रहेगा तो बेस पेयर्स विथ एडिनिन। ये एडिनिन के साथ जाके बेस पेयर करेगा, किसके साथ? एडिनिन के साथ। पर जब ये एनॉल फॉर्म में रहेगा तो किसके साथ? गुआनिन के साथ बेस पेयर करेगा, गुआनिन के साथ जाके बेस पेयर कर लेगा। सो जब एक फाइब्रोमो यूरासिल कीटो फॉर्म में रहेगा तो बेस पेयर करेगा एडिनिन के साथ, जब ये एनॉल फॉर्म में रहेगा तो ये बेस पेयर करेंगे गुआनिन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइब्रोमो यूरासिल का दोनों फॉर्म। अभी ये तो हो गया फॉर्म, पर इसमें क्या मतलब कीटो फॉर्म में हुआ तो एनॉल फॉर्म में हुआ क्या होगा वो थोड़ा सा देखते हैं। नॉर्मली जो हमारा क्या बोलते हैं फाइब्रोमो यूरासिल है वो तो एक के ही साथ नहीं, नाइट्रोजन हमारा जो बेसिस है वो एक के साथ ही बाइंड करता है, एटी के साथ। ए कभी जाके सी के साथ नहीं बाइंड करेगा, ठीक है, सी के साथ नहीं बाइंड करेगा। पर फाइब्रोमो यूरासिल ये दोनों रूप में रहता है, एडिनिन और गुआनिन दोनों के साथ, तो ऑब्वियसली डीएनए के स्ट्रक्चर में तो कुछ चेंज आएगा ना, वही है। मतलब ये लॉयल नहीं है फाइब्रोमो यूरासिल, कोई लॉयल स्ट्रक्चर नहीं है, ये दो को लेके चल सकता है, ठीक है। तो लॉयल को तो जहाँ पर लॉयलिटी नहीं है वहाँ पर तो डैमेज होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीएनए, एक हो गया 5' और दूसरा 3' और यहाँ हो गया 5'। क्या है? एडिनिन है। एडिनिन किसके साथ हम जानते हैं? वो बाइंड करता है थाइमिन के साथ। नॉर्मली हम जानते हैं एडिनिन थाइमिन के साथ। अभी क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। तो जब रेप्लिकेशन होता है, जब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो जब रेप्लिकेशन होगा इसका तो क्या होगा? जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो जो एडिनिन है थाइमिन का बेस एनालॉग का नाम क्या है? फाइब्रोमोयूरासिल, ठीक है। रेप्लिकेशन चल रहा है, पटाख से चलाया कौन? फाइब्रोमोयूरासिल। एडिनिन तो एडिनिन ही है पर फटाक से आया कौन? और थाइमिन, यहां पर हम सिर्फ स्टैंड के बारे में, एडेनिन जो ऊपर वाला स्टैंड है इसके बारे में देख रहे हैं, तो एडेनिन है। ये फटाक से यहां पर थाइमिन के डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, तो डीएनए पॉल का उतना क्या नहीं, मतलब स्ट्रक्चर तो सिमिलर है ना इसका, तो थाइमिन की जगह कौन आके बाइंड कर गया? ब्रोमो या फाइब्रोमो यूरासिल, बीयू, बहुत चालाका है यहां पर आके बाइंड। पर अभी भी ये ठीक है, अभी भी ये ठीक है, ये एडिनिन के साथ बाइंड किया है, तो किस फॉर्म में है? ये कीटो फॉर्म में अभी तक है। पर यहाँ इसका जो टॉटोमेरिक शिफ्ट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ये जो फाइब्रोमो यूरासिल ये 50% रह सकता है कीटो फॉर्म में, 50% एनॉल फॉर्म में। दूसरी तरफ अगर दूसरे बेसिस की बात करेंगे तो 99% वो रह सकता है कीटो और एनॉल में भी 1%, सो ऐसे परसेंटेज। तो ये फिर इसका जब और एक बार रेप्लिकेशन होगा, ये स्टैंड का जब रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, तो ऊपर वाला स्टैंड, जब हमारा ऊपर वाला जो स्टैंड है जब टेम्पलेट के जैसे काम करेगा, ठीक है, तो वो किसके साथ बाइंड करेगा? एडिनिन थाइमिन के साथ। यहां पर तो नॉर्मली है सब, पर ये अभी तक कीटो फॉर्म में है, ये ट्रांसफॉर्म किस में हो गया? एनॉल फॉर्म में। जब ये एनॉल फॉर्म में होगा, ये जो बी यू जाके जी के साथ पेयर अप कर लेगा, किसके साथ? जी के साथ।
क्योंकि ये अभी एनॉल फॉर्म में है, और हम जानते हैं जो एनॉल फॉर्म है फाइब्रोमो यूरासिल का, वो गुआनिन के साथ जाके पेयर अप कर सकता है, तो अभी गुआनिन के साथ बाइंड कर गया, ठीक है। फिर फर्दर जब इसका रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, तो जो गुआनिन है, जो गुआनिन फाइब्रोमो यूरासिल वो ठीक है, अभी जी के साथ पेयर अप किया हुआ है, जो गुआनिन है वो किस में, सी में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब था क्या एटी, हो गया क्या जीसी। ये एग्जांपल है वन टाइप ऑफ ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन, ये कॉज कर सकता है ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन के बारे में, तो यही है बेस एनालॉग। उसके बाद आता है डबल बेस अल्टरेशन। सो ये हमारा सिंगल बेस अल्टरेशन जो था वो यहां पर खत्म होता है। फिर आते हैं हम डबल बेस अल्टरेशन में, सिंगल को मिटा दो और किसको ला दो, डबल को ला दो। डबल बेस अल्टरेशन का मतलब दो बेस का अल्टरेशन होगा, यहां पर सिंगल बेस का हो रहा था, यहां दो बेस, मतलब देख रहे हैं अभी डंगर। डबल बेस अल्टरेशन में पहले जो पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ पीरिमिडीन डाइमर, फॉर्मेशन ऑफ पीरिमिडीन डाइमर, फॉर्मेशन पीरिमिडीन डाइमर का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पहले तो जान लेते हैं इसका कॉज क्या। सो थायमिन डाइमर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एडजेसेंट थायमिन रेसिड्यू कोवेलेंट लिंक्ड बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सपोज हम पीरिमिडीन कौन है, थायमिन है, साइटोसिन तो है थायमिन। जब दो थायमिन रेसिड्यूज एडजेसेंट रहेगा, एडजेसेंट का मतलब क्या है, एडीएनए है, ठीक है, दो थायमिन है यहां पर एक के बाद है। सो ये जो पिरिमिडिन डाइमर का फॉर्मेशन होगा दो एडजेसेंट थायमिन के, जो दो जो एडजेसेंट थायमिन है उसमें बनेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से इसका जो नेचर है ये दिखता है तो दोनों बेस पर ये एक बेस के जैसे काम करता है। सो डीएनए ऑब्वियसली डैमेज होगा, तो इसमें क्या होता है, सो इसमें ये दोनों जो डाइमर है ये बाइंड कर जाएगा, फिर एडिनिन के साथ ये छोड़ देगा रिश्ता, थायमिन थायमिन डाइमर फॉर्म हो गया, और ये बेसिकली एक कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, तो इसको इतना आसानी से हम इसको तोड़ नहीं सकते, क्या, क्योंकि ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। सो किससे बनता है, बेसिकली इसका जो कारण है वो यूवी लाइट ही है, यूवी लाइट पड़ता है, डीएनए को तो पसंद है बहुत ज्यादा यूवी लाइट, वो तो खा लेता है यूवी लाइट को, पर खाने के बाद उसका बाद हजम हो जाता है, वो है थायमिन डाइमर। क्या फॉर्म हो जाता है, थायमिन डाइमर फॉर्म हो सकता है, साइटोसिन डाइमर भी फॉर्म हो सकता है, मोस्ट कॉमन इज थायमिन डाइमर। अभी ये जो थायमिन डाइमर बनता है या फिर साइटोसिन डाइमर जो भी है, सो इसका दो प्रोडक्ट जैसे बनता है वो थोड़ा सा देखते हैं। एक हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेन, मतलब ये दो तरह से बनता है इसका स्ट्रक्चर्स, ये जो डाइमर है इसका दो स्ट्रक्चर को हम देखें, एक हो गया साइक्लोब्यूटेन रिंग फॉर्मेशन, साइक्लोब्यूटेन थायमिन डाइमर, ये साइटोसिन भी हो सकता है, यहां पर हम थायमिन देख रहे हैं, या फिर साइटो थायमिन मिटा देते हैं, यहां पर हम लिखते हैं पिरिमिडीन डाइमर, ठीक है। और दूसरा हो सकता है 6-4 फोटो प्रोडक्ट, और ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देखते हैं इसका। ये हो गया साइक्लोब्यूटेन प्यूरिन डाइमर, और ये 6-4 फोटो प्रोडक्ट, ये दोनों ही है जो पिरिमिडीन डाइमर, ये दोनों तरह का पिरिमिडीन डाइमर, चाहे वो थायमिन हो चाहे वो साइटोसिन हो, प्यूरिन डाइमर भी देखेंगे, दूसरा पिरिमिडीन का जैसा प्यूरिन का डाइमर भी बन सकता है,
पर ये जो डाइमर फॉर्मेशन है वो बेसिकली दो तरह से हो सकता है, 6-4 फोटो प्रोडक्ट बन सकता है या फिर साइक्लोब्यूटिन, जिसको हम कहते हैं CPD, साइक्लोब्यूटिन पिरिमिडिन डाइमर, ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों फॉर्म में रह सकता है। यहाँ पर 6' कार्बन के साथ, 6th कार्बन के साथ एक बेसिस का, दूसरा जो बेस है उसका 4' जो कार्बन है, 4 पोजिशन में जो कार्बन है उसके साथ एक बॉन्ड बनता है, वो है 6-4 प्रोटो प्रोडक्ट। यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस का 5, दूसरा नाइट्रोजन बेस का कार्बन 5 के साथ बॉन्ड होता है। यहाँ पर दूसरा पहला 6 जो कार्बन है, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस है इसके बारे में, तो यही बेस है पिरिमिडिन डाइमर फॉर्मेशन। नाउ ये जो पिरिमिडिन डाइमर, ये रिपेयर्ड कैसे हो सकता है? एक तो हो गया डायरेक्ट रिपेयर से ही रिपेयर्ड किया जा सकता है, डायरेक्ट रिपेयर किसमें, तो डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म से, बाद में हम रिपेयर मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम समझे, डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म से इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, या फिर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर NER, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन एंड जो डायरेक्ट रिपेयर है, ये दोनों रिपेयर मैकेनिज्म से ये जो पिरिमिडिन डाइमर है इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है, नेक्स्ट आते हैं हम चेन ब्रेक, ये हो गया जो हमारा डबल बेस अल्टरेशन का दो पार्ट था, एक हो गया फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडिन डाइमर और एक हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन डाइमर, दोनों ही हम डायरेक्ट रिपेयर एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के थ्रू उसको रिपेयर कर सकते हैं। डबल बेस अल्टरेशन के बाद नेक्स्ट आता है चेन ब्रेक। चेन मतलब क्या? DNA का जो स्ट्रैंड है उसको चेन कहा जा रहा है, जो फॉस्फेट बैकबोन है, दो फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, DNA का, तो एक सपोज ये DNA, ठीक है, तो इस DNA का दो फॉस्फेट बैकबोन है, एक हो गया सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, इसको हम कहते हैं पहले ऊपर का जो ये है वो थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम अभी पढ़ रहे हैं डबल चेन ब्रेक के बारे में क्या है, तो अभी हमारा पॉइंट है चेन ब्रेक, पॉइंट थ्री का चेन ब्रेक, पहला था सिंगल बेस अल्टरेशन, दूसरा था डबल बेस अल्टरेशन, तीसरा है चेन ब्रेक। उसमें एक हो गया सिंगल स्टैंड ब्रेक, मतलब एक ही स्टैंड, DNA दोनों स्टैंड से बनता है, अगर एक स्टैंड में ब्रेक हुआ तो उसको कहा जाता है सिंगल स्टैंड ब्रेक, अगर दो बेस में ही अगर आ जाए ब्रेक तो उसको कहते हैं डबल स्टैंड ब्रेक। एक हो गया सिंगल स्टैंड ब्रेक, दूसरा है डबल स्टैंड ब्रेक। तो चेन ब्रेक का कारण क्या क्या है? एक हो गया रेडिएशन, और मेनली रेडिएशन, जो रेडिएशन एक्सरे हो सकता है, गामा रे हो सकता है, ठीक है, पहले सिंगल स्टैंड जो इसका कॉज क्या हो सकता है, रेडिएशन एक कॉज हो सकता है, रेडिएशन के वजह से हो सकता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से भी हो सकता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से हो सकता है। सो ये जो सिंगल स्टैंड ब्रेक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अटेम्प्ट रिपेयर ऑफ यूवी रेडिएशन इंड्यूस बेस एनालॉग, बेसिकली इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंड ब्रेक या फिर जो डबल स्टैंड ब्रेक है, ये डायरेक्ट यूवी जो लाइट है उसमें डायरेक्ट इसका डैमेज नहीं होता, जो यूवी लाइट आया डायरेक्ट जो सिंगल स्टैंड का जो फॉस्फेट बैकबोन उसमें ब्रेक कर दे, ऐसा नहीं होता। यूवी रेडिएशन में जब रिपेयर मैकेनिज्म चलता है, यूवी रेडिएशन से पिरिमिडिन डाइमर बना, ठीक है, उसको रिपेयर करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसमें अगर कुछ गलती हो गया और अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो वो कॉज कर सकता है डबल सिंगल स्टैंड ब्रेक में, नॉट ओनली सिंगल स्टैंड ब्रेक, डबल स्टैंड ब्रेक भी वो कॉज कर सकता है। फिर आता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, क्या वो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर की जब चल रहा है उसमें अगर कुछ गलती रह गया तो वो कॉज कर सकता है सिंगल स्टैंड ब्रेक। सेम है डबल स्टैंड ब्रेक में, अगर एक्सीजन रिपेयर जो चल रहा है, एक्सीजन बेस एक्सीजन रिपेयर
जब हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा बेस एक्सीजन रिपेयर क्या है, न्यूक्लियर एक्सीजन रिपेयर क्या है, इसके बाद में ही हम देखेंगे उसको। तो बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म चल रहा है, उसमें अगर कुछ गलती हो गया तो वो कॉज कर सकता है डबल स्टैंड ब्रेक में। इसको हम जो सिंगल स्टैंड बेस है उसको रिपेयर्ड बाय होमोलोगस एंजाइम, इसको रिपेयर हम कर सकते हैं होमोलोगस एंड जॉइनिंग जो प्रोसेस है उससे, मतलब रिपेयर्ड बाय होमोलोगस एंड जॉइनिंग, ठीक है ये हो गया। और इसको जो डबल स्टैंड बाय रिपेयर्ड बाय होमोलोगस एंड जॉइनिंग एंड नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, सो ये होमोलोगस एंड जॉइनिंग से भी रिपेयर्ड डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर्ड बाय एक होगा होमोलोगस एंड जॉइनिंग से हो सकता है, या फिर नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग से भी हो सकता है। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग प्रोसेस से भी ये जो रिपेयर है डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रॉस लिंकिंग के बारे में। क्या है क्रॉस लिंकिंग? वो है क्रॉस लिंकिंग, किसमें किसमें क्रॉस लिंकिंग होगा? एक तो डीएनए के साथ डीएनए का क्रॉस लिंकिंग हो सकता है, या फिर डीएनए टू प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग हो सकता है, डीएनए टू प्रोटीन, ठीक है। तो वो है हमारा फोर्थ पॉइंट। थ्री हो गया चेन ब्रेक, और फोर्थ में आता है कौन? क्रॉस लिंकिंग। इसमें क्या आएगा? क्रॉस लिंकिंग में क्या होगा? एक हो गया डीएनए टू डीएनए क्रॉस लिंकिंग हो सकता है, या फिर डीएनए एंड प्रोटीन में क्रॉस लिंकिंग हो सकता है। कॉज क्या है? वो सेम कॉज, यूवी रेडिएशन हो सकता है, आयनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकता है, या फिर एक्सरे जो गामा रेज है वो। तो एक हो गया हमारा डीएनए टू डीएनए का क्रॉस लिंकिंग हो सकता है, या फिर डीएनए एंड प्रोटीन का क्रॉस लिंकिंग हो सकता है। इसका कॉज क्या है? कॉज में क्या क्या आता है? कॉज में आता है यूवी रेडिएशन आ सकता है, यूवी रेडिएशन के वजह से हो सकता है डैमेज, या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन के वजह से भी ये हो सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन आया? एक्सरे, फिर आया गामा रे, एक्सरे अंजन गामा रे है आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंतर्गत, वो भी क्रॉस लिंकिंग करवा सकता है। और नेक्स्ट आते हैं हम फ्री रेडिकल्स। क्या है? फ्री रेडिकल्स की वजह से भी क्रॉस लिंकिंग हो सकता है। ये काम कैसे करता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब कैसे ये जो डैमेज है ये कॉज कर सकता है, मतलब डीएनए को कैसे ये क्रॉस लिंकिंग होता है कैसे, वो थोड़ा सा देखते हैं। रेडिएशन, तो अभी हम रेडिएशन आया, कौन कौन सा रेडिएशन है? चाहे वो एक्स रेडिएशन है वो गामा रेडिएशन हो, रेडिएशन आया। रेडिएशन क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ H2O2, मतलब किसका फॉर्मेशन? हाइड्रोजन पारोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रोजन पारोक्साइड क्या करते हैं? प्रोटीन पारोक्सीडेशन। हमारा बॉडी का ज़्यादातर क्या है? प्रोटीन से हाइड्रोजन पारोक्साइड जाके अगर वो उस प्रोटीन का पारोक्सीडेशन करता है, पारोक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन। तो पारोक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या होता है? प्रोटीन हाइड्रो पारोक्साइड फॉर्मेशन, प्रोटीन हाइपो पारोक्साइड फॉर्म होता है जब प्रोटीन का हम पारोक्सीडेशन करते हैं। और ये प्रोटीन जो हाइड्रो पारोक्साइड है इसकी वजह से ही डीएनए का क्रॉस लिंकिंग हो सकता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले रेडिएशन के बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ H2O2। किसका फॉर्मेशन होगा? हाइड्रोजन पारोक्साइड का, ठीक है, हाइड्रोजन पारोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन पारोक्साइड, किसका? प्रोटीन हाइपो पारोक्साइड, प्रोटीन हाइपो पारोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ये प्रोटीन पारोक्साइड काम है कॉज डीएनए क्रॉस लिंकिंग, कॉज डीएनए
क्रॉस लिंकिंग, डीएनए का क्रॉस लिंकिंग करवा देगा, ठीक है। इसको हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं, रिपेयर्ड बाय, रिपेयर्ड, ये जो क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस है इसको हम किस किस प्रोसेस से इसको रिपेयर कर सकते हैं। उसके पहले एक क्रॉस लिंकिंग का एक एजेंट भी है, वो है नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड एक एजेंट है, इसके अलावा और भी कुछ है, कुछ एजेंट्स है जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग हो सकता है। रेडिएशन, यूवी रेडिएशन ये तो है, पर कुछ केमिकल्स भी है जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग हो सकता है डीएनए 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 प्रोटीन में। एक हो गया नाइट्रोजन मस्टर्ड की वजह से हो सकता है। सो ये जो क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस है रिपेयर्ड किस, रिपेयर्ड बाय न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन, ईआर हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एनईआर जिसको कहा जाता है, बेस एक्सीजन रिपेयर, बीईआर बेस एक्सीजन रिपेयर, या फिर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। क्या है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की सॉरी वजह से भी ये पूरा जो क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो यही है हमारा डीएनए डैमेज का पार्ट। बट इसके बाद जो पार्ट आएगा हमारा डीएनए रिपेयर का, वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, समझ लिए हैं ऑलरेडी डीएनए डैमेज होता क्या है। इसके बाद हम आएंगे डीएनए डैमेज को रिपेयर, डैमेज तो हो गया पर उसका सॉल्यूशन क्या है, सेल कैसे उसको रिपेयर करेगा, वही जो रिपेयर मैकेनिज्म है हम बाद के वीडियो में उसको देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना दोस्तों के साथ और लाइक भी करके जाना, और अगर ऐसे जो टॉपिक्स आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।